उत्तर प्रदेश के बदोई की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा इस समय चित्रकूट जेल में हैं। वो अपने ही भतीजे मनीष मिश्रा की शिकायत पर जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं उनकी बेटी सीमा मिश्रा कहती है कि उनके पिता को उनके अपने लोगों ने ही जाल में फंसा कर निशाना बनाया है। सीमा ने कहा कि उनके पिता को तो अपनों ने ही लूट लिया, गैरों में कहां दम था। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत उनके ही चचेरे भाई मनीष मिश्रा ने की, उस मनीष मिश्रा ने जिसको उनके पिता ने पाल पोस कर पड़ा किया है। वो मनीष मिश्रा जिसके माता पिता 3 दिन का उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे और उनके पिता ने ही उनको पाला था, वो मनीष मिश्रा दुश्मन बने बैठे हैं। सीमा मिश्रा आगे कहती है कि मनीष मिश्रा दरअसल इसलिए चिढ़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं विजय मिश्रा अपने बेटे विष्णु मिश्रा को राजनीति में न ले आए और बस इसी वजह से लगातार मनीष मिश्रा और विजय मिश्रा को निशाना बना रही हैं। सीमा मिश्रा का कहना है कि उनके पिता की राजनीतिक विरासत मनीष मिश्रा कैप्चर करना चाहते हैं। सुनिए सीमा मिश्रा ने क्या कहा कि मिस्टर मनीष चंद्र मिश्रा का जितने फोन वो इस्तेमाल करते हैं और जितने उनके रिश्तेदार हों उनका पूरा कॉल डिटेल निकालिए कि वो कितने ऑफिसर से बात करते हैं और क्या क्या बात करते हैं और क्या वो पुलिस के साथ मिलके प्रशासन के मिलके क्या वो मेरे फादर के खिलाफ प्लांट करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं इसका आपको सबसे बेसिक रीजन बता दूं, जब मनीष मिश्रा 3 दिन के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई, मेरे मम्मी पापा ने उनको बेटे की तरफ पाला, उनको 20 साल ब्लॉक प्रमुख बना के रखा, मेरा भाई विदेश में पढ़ता था 2012 में आया, अब उनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं करके अपने बेटे को वो करना चाहते हैं, इसी के कारण उनको ओवर द टाइम उनको जेलसी डेवलप हो गई। एक आध दिन बहस हुआ, कहा सुनी हुआ, जो भी था उनको फील हुआ कि भाई उनका बेटा कैपेबल है, कर सकता है, उसके बाद वो अलग होना उन्होंने शुरू कर दिया। अब उनको पता है कि कौन कौन मेरे पिता के दुश्मन हैं, कितने सारे विधायक हैं, चाहे वो लेट इट बी एनीवन, लॉट ऑफ पीपल, लोग इसलिए जलते हैं क्योंकि जनता के दिल में उनके लिए बेशुमार प्यार है। कोई आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ज्ञानपुर से आदमी दोबारा MLA नहीं बना है, और हमले दिखाते हैं, आप प्लीज निकलवा के देखिए, लगभग 60 केसेस में वो बरी हैं या केस समाप्त हो चुके हैं, फिर भी उनको बदनाम करने की साजिश होती है कि 73 केस। अरे भाई आप मुझे बताइए किस प्रोविजन में लिखा है कि जिसको न्यायालय निर्दोष घोषित कर दे या केस समाप्त हो जाए आप उसको भी मेंशन करिए। तो ये पूरी मिली भगत है, सबकी साजिश है उनको बदनाम करने की। आज क्या हुआ? आज यही हुआ कि मैंने जब मिसेज MLA MP कोर्ट में होगा यहाँ नहीं होगा, आज हमने वही बात जब रिमांड लेने की बात आई तो हमने सेम ऑर्डर पुट अप किया कि साहब यहाँ तो जुरिडिक्शन है ही नहीं, आप कैसे रिमांड ले सकते हैं। उस पे सरकारी वकील ने आर्ग्यू किया कि नहीं माय लॉर्ड, आपको ही पूरा हक है, जो भी था वट एवर सेड एंड डन साहब ने यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी यहाँ की दे दी है, ये जानते हुए भी कि ज्ञानपुर में मेरे पिता की जान को कितना खतरा है, वो कभी भी मर सकते हैं, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, यही अभी ऑर्डर है, फिलहाल कंप्लीट ऑर्डर अभी आया नहीं है। ज्ञानपुर में किससे डर है, क्या है? कौन लगती ज्ञानपुर से सबसे डर है, आप सबको हमसे ज्यादा पता है, अब मैं आपको क्या बताऊं, कितना खुल के मैं बताऊंगी भैया, बाद में समझा लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब साजिश यहाँ तक है, सुनने में आ रही है कि SP साहब और मनीष मिलके कोई भी वेपन कितना भी वो खतरनाक है वो भी प्लांट कर सकते हैं। SP भदोही भाई मिस्टर राम बदन सिंह, उनकी डेली बात होती है मेरे कजन से और उनको ये नहीं पता है, स्पेशली मैं SP साहब को ये बताना चाहूंगी कि आपके संग भी गलत तलाशी हो रही है, आपका हर कॉल उसने रिकॉर्ड करके रखा है ताकि आप कभी भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो वो आपको भी ब्लैकमेल करेगा। ये बात मैं SP साहब को अगर होते तो मैं उनको बता देती कि जो आदमी 3 दिन के थे जिस आदमी ने उसको पाला पोसा वो उसका नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा, बता दीजिए जरा, वो आपका क्या होगा। अब आगे के लिए आप क्या करेंगे? हाँ देखिए, हम बस यही चाहते हैं प्रशासन से भी न्यायालय से भी कि भाई ये बिल्कुल छोटा सा, आप देखिए मैं शुरू से बता दूं कि ये बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी विवाद था और जो कि अगर सारे कॉल्स रिकॉर्ड करके रखे गए हैं कि वो पूरी कोशिश में थे कि सुलह कर लें, लेकिन इसका एडवांटेज मनीष ने और सारे यहाँ के जितने पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ब्रेन वॉश किया कृष्ण मोहन तिवारी को। मैं आपको फिर से कह रही हूँ वो आदमी सीधा साधा है, जब मेरा भाई देहरादून बोर्डिंग में पढ़ता था तो हम उसको इतना विश्वास करते थे कि वही ट्रेन से ले आते थे ले जाते थे कृष्ण मोहन तिवारी, वो सीधा साधा आदमी है, लेकिन वो पूरी तरह बहकाया गया है, उनको ब्रेन वॉश किया गया है, कोई लेन देन का मामला नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, कृष्ण मोहन तिवारी और किसने पैसा चाहिए, तबियत उनकी यही सब सोच के काफी खराब हो गई है, आप सोचिए कितना है।
आदमी का दिल टूटेगा जिसको 3 दिन का बच्चे को जो आप पाले और वही आपके मरने की साजिश करने लगे तो कोई भी आदमी टूट जाएगा भाई साहब, चाहे वो आप हो चाहे हम हो चाहे वो विधायक विजय मिश्रा हो। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि आप प्लीज मनीष मिश्रा का सारा कॉल निकलवाइए और उनका ही नहीं उनके सारे रिश्तेदार का निकलवाइए और जितना जल्दी हो के एक्शन लीजिए कि भाई एसपी हैं, पावर है उनके पास कि वो जाके उसको इरेज ना करवा दे, फॉर्मेट ना करवा दे, ये ना करवा दे। और ये फैक्ट बात है, हमारे पास विटनेस है, हमारे पास सब है कि एसपी की डेली बेसिस पे मनीष मिश्रा से बात होती थी, डेली बेसिस पे वो, और उन्होंने कॉल रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। मैम योगी सरकार के मुतालिक क्या कहेंगे? सरकार से तो भाई सरकार से हम इतना ही कर सकते हैं कि सरकार सहित कि सरकार एक आदमी इंडिविजुअल आप खुद ही सोचिए कि इतने छोटे प्रॉपर्टी विवाद पे इतना फास्ट पुलिस ने एक्शन लिया। अरे आम आदमी मरते रहते आम जनता की मेरा FIR लिखी है, कोई लिखता है क्या? क्या इसमें सरकार का हाथ है? हम खुद रिट फाइल करते हैं कि अब भाई कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है मेरे साथ, कोई FIR नहीं लिखा जा रहा है, अरे FIR नहीं लिखा जाता, हम खुद रिट करते हैं। नहीं पॉलिटिशियन जितने भी आस पास के जगह है जिनको जिला पंचायत कमी है, इलेक्शन आने वाला है इसमें नवम्बर दिसम्बर में, प्रधानी से लेके जिला पंचायती से लेके सब, और जनता के दिल में जो बेशुमार प्यार है बस उसको पूरा तरीके से ये हटाना, इसमें हर आदमी का फायदा। अभी कहाँ रहेंगे? अभी कहाँ रहेंगे? अब अभी ज्ञानपुरों को ले जाया जा रहा है जो कि बिल्कुल उनके लिए सेफ नहीं है। मैंने पूछा मजिस्ट्रेट साहब से कि कुछ उनको हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, साहब ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो आपने सुना सीमा मिश्रा ने क्या कहा, जाहिर है एक परिवार के बीच इस समय सहा और मात का खेल चल रहा है। अब देखना होगा कि इस सहा और मात के खेल की राजनीति में कौन विजय होता है और कौन हारता है। आप इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम लगातार आपको एक्सक्लूसिव खबरें देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।